नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज फिट रहने के लिए जम्मू में बहुत ही खूबसूरत जिम खुला हमारे साथ। जिम का ऑनर जुड़े हैं, उनसे जानना चाहूंगा क्या सोचते जिम खुला और क्या लोगों को देना चाहते हैं। प्रथम, जिस तरह आपने जिम खुला उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई है आपको। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जो आप इस जिम के उद्घाटन समारोह में शुभारम्भ कार्यक्रम के मौके पर आए हैं। आज बता दें कि जो अभियान SP हैं उन्होंने आज जो है इस गोल्डन जिम जो जम्मू शहर के कचहरी चौक पर है, कचहरी रोड में, वो उस श्री कृष्णा सिंह कॉम्प्लेक्स में खुला है, वहाँ पर आज इसका शुभारंभ ASP अभियान के द्वारा किया गया। इस जिम का पहला मोटो है तन फिट मन फिट, यानी कि अगर आपका हेल्थ बढ़िया है तो माइंड भी आपका डेवलप होगा, शार्प होगा। तो खिला हुआ अगर आप चेहरा चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सुंदर काया बहुत जरूरी है, और इसी सुंदर काया और सुंदर तन को बनाने के लिए, आपको फिट रखने के लिए आज के डेट में बहुत ही खास करके युवाओं में ट्रेंड है कि जिम में जाना। तो युवाओं के लिए जितना ट्रेंडिंग है जिम, वो तो जरूरी है ही, लेकिन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिम को करना, जिम में वर्कआउट करना। इससे आप अपने शरीर को भी फिट रखते हैं, आपका शरीर भी सुडौल रहता है, और साथ ही साथ अगर आप अपने शरीर को अगर फिट कर लिए तो समझिए कि पूरा जीवन आपका फिट हो गया, लाइफ आपका सिक्योर हो जाता है जब आपका बॉडी फिट हो जाता है। यही सब प्रसाद, आज कल की लड़कियां हैं, अगर हमारे जो बच्चे देखते कम उम्र में बच्चे फैटी हो जा रहे हैं, मोटा हो जा रहे हैं, कहने के जंक फूड का भी कारण है और कहने के एक्सरसाइज नहीं होना भी कारण है, तो उन तमाम बच्चों को क्या फिट रहने के लिए क्या बता सकते हैं? खास करके मैं बता दूं कि कोरोना काल के बाद जो भी बच्चे या लड़कियां, या खास करके टीनेजर थे, वो बच्चियां या टीनेजर जो हैं, वो जो फिजिकली जो गेम होते हैं या फिजिकली जो वर्कआउट होता है उससे थोड़ा धीरे धीरे कटते चले गए, और आज का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें मोबाइल से लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, कंप्यूटर से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो फिजिकल वर्कआउट जो बच्चे बाहर में खेलने के लिए जाते थे, या महिलाएं जो काम करती थी, या युवतियां जो वर्कआउट करती थी, ये सारा वर्कआउट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ख़ास करके शहरों में तो बिल्कुल ही नगण्य होते जा रहा है। तो फिट रखने के लिए तो जिम अब एकमात्र साधन रह गया, और इसको ज्वाइन करना आप लोगों की एक ढंग से कहिए ज़रूरत भी हो रही है और मजबूरी भी बन रही है। अच्छा, लड़की के लिए क्या सुविधा दिया प्रसाद? जो बॉयज़ के साथ मेल के साथ तो वो मेल फीमेल दोनों साथ में कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल साथ में करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अगर लड़कियां युवतियां आ जाती हैं और वो अगर चाहते हैं कि हम अलग उनको बैच दें, तो अलग बैच भी हम लोग उनको कराने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए जब ज़्यादा संख्या में युवतियां आ जाएंगी तो हम उसको अलग से उसके लिए ट्रेनर भी दें। प्रसाद, एक बताओ, जानना चाहेंगे लड़कियाँ खास करके हमारी जो महिलाएँ हैं वो सीरियल ज़्यादा देखती हैं, कहने का मतलब आराम तलब जिंदगी कहीं ना कहीं बीमारियों को भी न्योता दे रहा है, तो उन तमाम महिलाओं को अपने जिम में लाने के लिए क्या कुछ करेंगे? ये ऐसी महिलाएं हैं जो आराम तलब जिंदगी जी रही हैं, तो जान लीजिए कि अगर लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो उसके लिए फिटनेस बेहद जरूरी है, और फिटनेस बनाए रखने के लिए शहर में अब बता रहे हैं ना कि जैसे गांव देहात की महिलाएं होती हैं, तो कृषि प्रधान क्षेत्र है तो गांव में जाके काम मेहनत कर लेते थे, दूध उत्पादन में सहयोग करते थे, बहुत सारे उनके आयाम होते थे, घर में भी बहुत घरेलू कार्य ऐसे होते थे, अब वैसे जो शहर में तो वो सब अब रहा नहीं है। तो फिट रहने के लिए सिर्फ सीरियल आप देखिएगा तो फिट संभव है नहीं, इसके लिए तो आपको फिट रहने के लिए आपको तो जिम ज्वाइन करना, योगा ज्वाइन करना, ये सब जरूरी है। प्रसाद, कहीं ना कहीं जो जिम ज्वाइन करेगा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी उनकी, और कहीं ना कहीं रोग मुक्त भी रहेगा, क्या मैं सही हूँ? जी देखिए, रोग मुक्त तो ये तब रहेंगे जब आप पूरे फिट रहेंगे, और इसमें आप बताते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है शरीर में जो बना रहे उसके लिए जरूरी है कि आप वर्कआउट करें, और जिम में हैवी भी है और कार्डियो सेक्शन है, जो छोटे मोटे अगर करना चाहते हैं फिजियोथेरेपी या इस टाइप का जो उनका मोटो रहता है तो उस टाइप के भी यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हैवी वेट का भी अगर आप अगर रखते हैं उस तरह का। आज के डेट में एक ट्रेंडिंग और भी आपको मैं बता दूँ, ये अब प्रोफेशन भी बनते जा रहा है, इसका करियर भी है, अब जिम सिर्फ प्रसाधन है, ये साधन नहीं रह गया कि सिर्फ हम गए थोड़ा मोटा काम,
अब बॉडी बिल्डिंग जो होती है, बड़े बड़े कंपटीशन होता है, उसका चैंपियनशिप होता है, हम लोग भी उसका प्रयास करेंगे कि उस तरह के आयोजन को हम बढ़ावा दें ताकि वो यहाँ से सीखने वाले उसको कैरियर के रूप में भी अपना सकें, बॉडी बिल्डिंग करके और जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करें और उससे अपना कैरियर भी बना सकते हैं। थैंक यू, ये हमारा प्रयास है। थैंक यू। मेरा नाम अक्षय हुआ। अक्षय जी, तरह किस रूप में देख रहे हैं जिम का? जिम से आपको बहुत सारी तरक्की भी होता है, एक मानसिक सुदृढ़ आप होंगे, आपका संस्कार थोड़ा अलग हटके लगा, जैसे पहले भी बता चुके हैं सर। और सबसे पहले आप जब करिएगा तो आप में अलग तरह का एनर्जी लेवल आएगा, जो अन्य की अपेक्षा जिम करने वालों में एनर्जी लेवल कुछ ऊपर रहता है, जिससे आप कोई भी काम करिएगा तो आपको दूसरे ढंग का जो है ताकत महसूस होगा। और सबसे बड़ा बात, आप जब जिम करिएगा तो आप में पेशेंस का क्षमता भी बढ़ता है, जो आप बहुत जल्दी जो है उठिएगा नहीं कोई चीज़ से, जो है बहुत सारे शारीरिक फायदे होंगे। हाँ, शारीरिक मानसिक दोनों विकास होता है। हेमा जी, किस तरह से आज महिलाएं आराम तलब जिंदगी जी रही, तुम लोगों के लिए जिम कितना कारगर साबित हो रहा है? महिलाओं के लिए भी जिम कारगर साबित हो रहा है, इसलिए क्योंकि महिलाएं जब आराम से रहती है तो उसका शरीर जो है थोड़ा सा आरामदेह हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ा हल्का वर्कआउट भी करना चाहिए। वर्कआउट करने से क्या होता है, उसका शरीर जो है फिट रहता है, इसीलिए महिलाओं को भी जिम करना चाहिए। मैडम क्या कहेंगे आप? महिलाओं को भी जिम करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? सुंदर बने रहने के लिए, फिट रहने के लिए, फिट बने रहने के लिए। जैसा कि ट्रेनर बता रहे थे कि इससे खूबसूरती भी बढ़ती है, चेहरे पर चमक आती है, तो भी तो बनेगा ना, उसके लिए भी जिम जरूरी है। ये तो सर इंपोर्टेड आता है, ताइवान से या चाइना से, ये तो मेड इन इंडिया है।